बदायूं जिले के उसहैद थाना क्षेत्र के ग्राम नोली फतुआबाद में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें दूरदराज से कथा सुनने के लिए अनेक भक्तगण उपस्थित हुए। गौरव की बात यह है कि इस गांव के समस्त नागरिकों ने आर्थिक सहयोग देकर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया, लेकिन यहां के लोगों का कहना है कि हमारे ग्राम में हर वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया जाता है। इसमें सरस तथा कथावाचक स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री के शिष्य धर्मेंद्र कुमार द्वारा कथा का आयोजन किया गया और प्रशिक्षित के रूप में श्री कृष्ण यादव ने भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने बताया कि यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, जिससे बीमारियां खत्म होती हैं और लोगों की सद्बुद्धि होती है। इसी के साथ शास्त्री धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि हम कथावाचक का कार्य लगभग 15 वर्ष से लगातार कर रहे हैं और उन्होंने यह भी बताया कि कथा का सबसे बड़ा महत्व है, इसके श्रवण से मनुष्य के अंदर सद्बुद्धि का विकास होता है और इससे व्यक्ति भगवान की आस्था में विलीन हो जाता है। इस समय हम बदायूं जिले के थाना उसहैद क्षेत्र ग्राम नौली फतुआबाद में खड़े हुए हैं, जहां पर एक श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें यहां के परीक्षित जी ने यहां पर कई वर्षों से लगातार कथा का आयोजन कराते चले आ रहे हैं, जिससे समाज और क्षेत्र में काफ़ी जो है कथा का प्रसार हो रहा है और यहाँ का गुणगान भी हो रहा है। हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं और जानते हैं कथा के हालात क्या है। वीरेंद्र यादव जी, ये बताइए जो यहाँ पर कथा जो हो रही है, इसमें उससे जनता के लिए इसमें क्या लाभ है? इसमें जनता के लिए बहुत सी भक्ति भाव से जानकारियाँ मिलती हैं और मर्यादाओं से भरपूर मर्यादाओं के हिसाब से कथाएँ श्रवण कराई जाती हैं। उनसे हमारे गांव के सभी लोगों पर बहुत बड़ा सुधार हुआ है और इससे हमारे सभी आप से लोग आते हैं, भक्ति करते हैं। देवी माँ का मंदिर है और हमारे जो शास्त्री महोदय हैं, इनके कथा सुनाई जाती है, उसका बहुत अच्छा असर पड़ा है हमारे गांव पर। पर एक खुशी समाचार यह है कि जो पुलवामा में आतंकी घटना हुई है, इससे हम लोगों को बहुत आहत हुआ है और हम उन जो भी हमारे देश के नौजवान शहीद और फौजी जो शहीद हुए हैं, उनके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके लिए श्रद्धांजलि दी गई है। कल भी दी गई थी, हमारे सभी लोगों ने मौन होकर 2 मिनट का मौन भी रखा था और हम लोगों को बहुत बड़ा जो है खुशी के वक्त पर ये बहुत बड़ा घात लगा है, जिससे हम लोग दुखित हैं, बहुत भारी तादाद से दुखित हैं और हम लोगों के चेहरे पर इसीलिए इसी मामले से उदासीनता है। पर हमारे भागवत के हिसाब से हम लोगों का वर्चस्व तो अच्छा है और बना भी रहेगा और हमारे कई एक भगत वर्षों से ये प्रोग्राम चला आ रहा है, हमारे गांव में इससे बहुत बड़ा सुधार हुआ है। बहुत अच्छी बात कही आपने, जो है वो जहाँ पर जो है भगवान का नाम या चर्चा होती है, वहाँ पर खुद ईश्वर का वास होता है। बिन सत्संग में विवेक न हुई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। ऐसा आप पुण्य का काम कर रहे हैं क्षेत्र में, गांव में, तो इससे आपको मतलब क्या जनता के लिए, आप यहाँ क्षेत्रवासियों के लिए इससे क्या संदेश मिल रहा है? मतलब ये है, यहाँ से मतलब हवन होता है कथा के, कथा से पहले हवन यज्ञ होता है, उसमें मतलब सब देवताओं को मतलब जो है आहुति देते हैं, इससे वायु शुद्ध होती है और जनता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। धर्म के हेतु उनको सुझाव हमारे शास्त्री देते हैं और समझाते हैं कि मानव जीवन क्या है, इसलिए हम और हमारे गांव के सभी लोग भरपूर सहयोग देते हैं। और गत वर्ष हम शास्त्री जी धर्मेंद्र सिंह को बुलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, जो हमारे परीक्षित जी श्री कृष्ण जी जो हैं ऐसे पुण्य कार्य में लगे हुए हैं, मानव सेवा में लगे हुए हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं और हम यहाँ के शास्त्री जी जो हैं आए हुए हैं उनसे परिचय लेते हैं। हम अब बात करते हैं, अब जो शास्त्री जी यहाँ आए हुए हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं धर्म प्रचार की जो कथा कर रहे हैं उनके बारे में। जी, क्या नाम है आपका? पत्रकार जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शास्त्री है, स्वर्गीय श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री का परम शिष्य हूँ। जिला एटा में मेरा गांव एक चाठी पड़ता है, थाना मरैची के पास, और अब से नहीं कई वर्ष से यहां पर इस गांव में कथा होती चली आ रही है। इस गांव में दूसरी बार कथा कहने आया हूं और यहां के लोग बड़े दयालु और श्रद्धालु हैं, बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुनते हैं। और आज तो खैर थोड़ी सी भीड़ है, लेकिन बहुत लंबी भीड़ होती हैं और बहुत श्रद्धालु लोग हैं यहाँ
और धार्मिक विचार के लोग हैं। महाराज जी, आपसे ये हम और जानना चाहेंगे कि आपका जो पुण्य का काम जो आप कर रहे हैं इस तरह का, इसे आप करते हुए कितने दिन हो चुके हैं, वर्ष हो चुके हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। पत्रकार जी, मुझे आज कथा कहते कहते 14-15 साल होने के लिए जा रही हैं, और दूर दूर हम कथा कहने जाते हैं, कन्नौज, कानपुर, फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली, नैनीताल, और इस गांव में तो मैं हर बरस आता हूँ। बहुत लोगों से मेरा प्रेम है और यहाँ की जनता बहुत प्रिय है, बहुत धार्मिक विचार के लोग हैं, बहुत दयालु लोग हैं, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से, तन मन धन लगा करके कथा श्रवण करते हैं। ऐसे पुण्य का काम जहाँ होता है वहाँ ईश्वर का निवास होता है ऐसा माना जाता है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपके द्वारा जो कथा कही जाती है, इससे समाज पर या देश पर क्या महत्व और क्या इसकी उपयोगिता रहती है? हमारी कथा सुनने से, ये श्रीमद् भागवत कथा जो हम कह रहे हैं, उस कथा को सुनने से सभी लोगों के तन मन धन से अगर सुनते हैं इस कथा को, तो जन्मों जन्मांतर के वैसे तो पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कथा बड़े ध्यान से और बड़ा विश्वास नहीं करके सुननी चाहिए।